रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, ईद की तैयारियां पकड़ लो। इस बार कितने रोजे होंगे? बड़ी खबर आ गई। मुल्क भर में 29 रमजान के बाद शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी और 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी, जबकि गुरुबे आफ्ताब के बाद उफक पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। मुल्क के जनूबी इलाकों समेत ज्यादातर मकामात पर 9 अप्रैल को मतला साफ रहने का इम्कान है, जबकि शिमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फित्र 10 अप्रैल बरोज बुध को मनाई जाएगी। इससे पहले चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद भी ईद उल फित्र बरोज बुध 10 अप्रैल को होने की पेशगोई कर चुके हैं। नाज़रीन, रमजान उल मुबारक के बाद जिस तोहफे का बेसब्री से इंतजार होता है वो है ईद उल फित्र। इस ईद को छोटी ईद भी कहते हैं, जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से शानदार तोहफा है।